एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। सो थंबनेल से आपको क्लियर हो ही गया होगा, आज का वीडियो होने वाला है ह्यूज बैग कलेक्शन। इसमें आपको सारी वैरायटी के बैग देखने को मिल जाएंगे, चाहे वो हैंडबैग्स हो, सीलिंग बैग, क्लच, लैपटॉप बैग, बैकपैक, मैं सभी के ऑप्शन आपके लिए लेके आई हूँ। मस्ट हैव बैग्स हैं जो कि आपके पास होने चाहिए। इनकी क्वालिटी बहुत अमेजिंग है एंड इनके रिव्यू अमेजोन पे बहुत अच्छे थे, तो मैं इनको आपको हाईली रिकमेंड कर सकती हूँ। वो ही आज मैं आपके साथ कलेक्शन शेयर करने वाली हूँ। तो आई होप आपके लिए ये वाला वीडियो हेल्पफुल रहेगा। अभी आप इनमें से कुछ भी परचेज करना चाहते हो तो परचेज कर सकते हो, बिकॉज सेल चल रही है अमेजोन पे और ये है ग्रेट फ्रीडम फेस्टिवल सेल, जो कि आज से स्टार्ट हो गई है। 5 अगस्त से ये प्राइम मेंबर्स के लिए स्टार्ट है एंड 6-10 ये है सेल का टाइम है, 6-10 अगस्त। तो आप डेफिनेटली कुछ भी परचेज करना चाहते हो ना, काफी अच्छे डिस्काउंट में मिल रहा है, तो आप बाय कर सकते हो। जितने भी प्रोडक्ट शेयर कर रही हूँ, हैंडबैग शेयर कर रही हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से आप इन्हें बाय कर सकते हो। और एक सिंगल लिंक मिल जाएगा माई हॉल स्टोर के नाम से, जस्ट आपको उस पर क्लिक करना है, तो आज का कंप्लीट कलेक्शन आपको एक ही लिंक में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे फर्स्ट बैग जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है ये ब्लैक कलर का बैग एंड लुक एट दिस बैग, बहुत ज्यादा लग्जूरियस है ये वाला बैग फ्रॉम दी ब्रांड लेनो पेरिस। लेनो पेरिस की क्वालिटी बहुत अमेजिंग आती है। मेरे पास काफी सारे हैंडबैग्स हैं लेनो पेरिस के, मुझे इनके डिजाइन, इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी लगती है। बहुत अफोर्डेबल प्राइस में अभी ये अमेजोन पे मिल रहा है। ब्लैक कलर का बैग है, प्योर लेदर में है एंड कुछ इस तरीके की इसकी लुकिंग है। यहाँ पे आपको टैग देखने को मिल जाएगा लेनो पेरिस का। यहाँ पे हैंडल्स दिए हुए हैं एंड गोल्डन कलर के अटैचमेंट्स लगाए हुए हैं, जो कि इस बैग को और अच्छा एंड लग्जूरियस लुक दे रहे हैं। अंदर की साइड आपको ना एक सिंगल कंपार्टमेंट इसमें देखने को मिलेगा। जिप की क्वालिटी बहुत अमेजिंग है और यहाँ पे आपको ना दो सेपरेट, मतलब एक ही देखने को मिल जाएंगे, बीच में एक इस तरीके की जिप दी हुई है जिसमें आप अपना कॉइन वगैरह हो गया या फिर आपके पैसे हो गए, तो कुछ भी ऐसा सामान आप कैरी कर सकते हो। और बैग वगैरह में आपको इसमें कोई जिप देखने को नहीं मिलेगी। बहुत ज्यादा लाइट वेट है, बहुत ज्यादा स्टाइलिश है एंड आप इसे स्टाइल कर सकते हो अपने वेस्टर्न और एथनिक के साथ, दोनों के साथ, लेकिन वेस्टर्न के साथ इसका लुक बहुत अमेजिंग है। एक बार इन्वेस्टमेंट करो तो आप इस बैग को ट्राई कर सकते हो। ब्लैक कलर आपके मोस्टली आउटफिट्स को कवर अप कर देगा। तो ये है जो फर्स्ट बैग मैं आपको रिकमेंड करूंगी और हाईली रिकमेंड कर रही हूँ, क्योंकि मैंने जब जब इसे लिया है मुझे बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट मिले हैं। अब जो नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये भी है फ्रॉम दी ब्रांड लेनो पेरिस एंड ये कुछ इस तरीके का प्रिंट वाला बैग है एंड इस पे आपको इस तरीके का फ्लावर प्रिंट देखने को मिलेगा। इसका मुझे कलर, इसका प्रिंट बहुत अट्रैक्टिव लगता है। एक तो ये प्योर वाइट कलर में है, ऊपर से ये जो पिंक कलर एंड जो पाउडर ब्लू, मतलब कुछ ऐसा कलर है, इसका जो प्रिंट किया हुआ है काफी ज्यादा सुंदर है। यहाँ पे आपको ना टैग देखने को मिल जाएगा, वो ही सेम ब्रांड का लेनो पेरिस। ये थोड़ा बड़ा है, अगर आपको कहीं ट्रैवल कर रहे हो, अगर आपको बाहर जाना है, कुछ भी कैरी करना है, तो आप इसमें बहुत सारा सामान आप कैरी कर सकते हो। काफी अच्छा स्पेस है इसमें। इसमें आपको सिंगल कंपार्टमेंट की चेन देखने को मिल जाएगी, एक जिप है और फिर अंदर है ना आपको, मतलब एक सिंगल कंपार्टमेंट देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपको ना एक जिप देखने को मिल जाएगी जिसमें आप अपना कुछ भी इंपॉर्टेंट पेपर्स हो गए, कॉइन हो गए, पैसे हो गए, आईडी हो गई, उसमें आप कैरी कर सकते हो। एंड यहाँ पे आपको ना छोटे छोटे से कंपार्टमेंट और दिए हुए हैं, यहाँ पे आप मे बी शायद आपको क्लियर हो रहा होगा। तो कुछ इस तरीके का बैग है, खूब सारा सामान आप इसमें कैरी कर लो, कहीं ट्रैवल में जा रहे हो और कुछ भी आपको कुछ ज्यादा सा, इवन आपकी एक दिन की ड्रेस भी इसमें आ जाएगी। तो इस तरीके का कुछ इसका है एंड प्योर लेदर में है। बैक में भी आपको इसमें जिप देखने को मिल जाती है, जिप की क्वालिटी वगैरह बहुत ज्यादा अच्छी है, प्रिंट बहुत अट्रैक्टिव है और इसको भी मैं आपको रिकमेंड करूंगी। बहुत अफोर्डेबल प्राइस में सेल में मिल रहा है, सिंगल इन्वेस्टमेंट है ये एक बार का एंड बहुत अट्रैक्टिव है सच में। तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हो, वेस्टर्न एथनिक सभी के साथ बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करेगा। तो ये है जो नेक्स्ट मैंने पिक किया है। अब जो नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये मैं आपको दिखाऊंगी एक क्लच विद, ये एक स्लिंग बैग है और जैसे ब्राइड्स हो गई, उन्हें चाहिए होता है कि शॉपिंग में कुछ ऐसा, तो अभी जैसे शादी वाला सीजन भी आने वाला है, सारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं, तो उसमें आपको कुछ है ना ऐसा लग्जूरियस सा चाहिए जो कि आप कैरी कर सको एज ए क्लच, एज ए सीलिंग, तो आप इस वाले को ट्राई कर सकते हो। सॉरी, यहाँ से है फ्रंट, इस वाले को ट्राई कर सकते हो। इसका जो ये वाला पार्ट है पूरा इसमें स्टोन लगाए हुए हैं, ये पूरा आपको
आपको ना और काइंड ऑफ वेलवेट फैब्रिक इसमें यूज किया हुआ है एंड इसमें आपको कलर ऑप्शन भी काफी सारे देखने को मिल जाते हैं। सिंगल कंपार्टमेंट में आपको देखने को मिलेगा इस तरीके से, और अंदर की साइड है ना इसमें एक चेन भी दी हुई है, अगर आपको एज ए स्लिंग इसे कैरी करना है तो एज ए स्लिंग भी कर सकते हो। क्वालिटी बहुत अमेजिंग है आपके लहंगों के साथ स्टाइल करने के लिए, या फिर अगर आप पार्टी वगैरह में जा रहे हो वैसे वेस्टर्न के साथ स्टाइल करने के लिए, साड़ीज के साथ, सभी के साथ बहुत अच्छे से जाएगा। एंड क्वालिटी तो सुपर्ब है ही, डिजाइन भी बहुत अमेजिंग है, तो आप डेफिनेटली इसे भी ट्राई कर सकते हो। ज्यादा सामान नहीं आएगा पर हाँ इतना बड़ा है, मोबाइल वगैरह इजिली आ जाएगा, थोड़ा बहुत आपने मेकअप कैरी कर लिया तो वो चीज इजिली आ जाएगी, तो स्पेस भी ठीक ठाक है, मैं ये नहीं कहूंगी छोटा है, और इसका डिजाइन मुझे बहुत सुंदर लगता है। तो ये है जो नेक्स्ट मैंने लिया है। नेक्स्ट जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये एक स्लिंग बैग है, एंड ये कुछ इस तरह का स्लिंग बैग है। ये मैंने अभी नहीं लिया है, ये मैंने पहले लिया था एंड मुझे इतना ज्यादा पसंद है ये वाला, मैंने सोचा इस वीडियो में आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि जब जब मैंने इसे लिया है मेरे किसी भी आउटफिट के साथ, मोस्टली वेस्टर्न के साथ जाता है, तो बहुत अच्छे कॉम्प्लीमेंट मिला है मुझे इस बैग के लिए। एंड ये इस तरह का स्लिंग बैग है, इसकी क्वालिटी बहुत सुपर्ब है, इसका ना स्पेस भी काफी अच्छा खासा है, खूब सारा सामान आप इसमें कैरी कर सकते हो, सिंगल कंपार्टमेंट आता है। सबसे अच्छा है इसका जो ये डिजाइन है, ये एक तो कलर्स चेंज करता है, आपको पता होगा सनलाइट में इसका कलर कुछ और होता है, कलरफुल हो जाता है, एंड वैसे आपको ये इस तरह का दिख रहा है लेकिन सनलाइट में जब इसका कलर आप देखोगे सारा चेंज हो जाएगा। एंड बहुत सुंदर बैग है, मतलब आप देख सकते हो शाइन वगैरह बहुत सुंदर है, बहुत अट्रैक्टिव है, एंड ये आपके लुक को इनहेंस करेगा। सिंगल कंपार्टमेंट है, एक ही जिप देखने को मिल जाएगी एंड बहुत सॉफ्ट है, इस तरीके का है, तो इसे भी आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट जो मैं आपको रिकमेंड करूंगी ये बहुत अफोर्डेबल प्राइस में हैंड बैग है, अगर आपका बजट इतना है, अंडर थाउजेंड भी नहीं है शायद, मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट प्राइस इसकी, 600-700 के अराउंड ये वाला बैग है। एंड ये कुछ इस तरीके का पाउडर ब्लू कलर का बैग है, पाउडर ब्लू कलर भी काफी ज्यादा ट्रेंड में है, एंड ये भी आपके ना बहुत सारे आउटफिट्स के साथ चले जाएगा, काफी अच्छा कलर लग रहा है ये, एंड बैग भी काफी ज्यादा सुंदर है, अफोर्डेबल प्राइस में है। इस तरह के हैंडल्स देखने को मिलेंगे और इसमें आपको ना दो कंपार्टमेंट देखने को मिल जाते हैं, तो काफी अच्छा खासा इसमें स्पेस दिया हुआ है, और बैक में आपको जिप देखने को मिल जाती है। प्योर लेदर फैब्रिक है और सॉफ्ट है, बहुत ज्यादा लेने के बाद भी काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था मुझे। सबसे अच्छी बात है अफोर्डेबल प्राइस में है, सिंपल सोबर स्टाइलिश है, तो इसे भी आप अपने बैग कलेक्शन में ऐड कर सकते हो। अगर आपको अफोर्डेबल प्राइस के अंदर कुछ ऐसा लेना है जिसमें आप काफी सारा सामान भी कैरी कर सको और अच्छा भी लगे, तो इसे आप ट्राई कर सकते हो, इसकी रेटिंग बहुत ज्यादा अच्छी है अमेजोन पे। अब जो नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एंड ये है ये वाला हैंडबैग, आपने मेरी बहुत सारी वीडियोस में इसे देखा होगा, क्योंकि ये मैं आपको कहूंगी मस्ट हैव है, एक बार आप इसमें इन्वेस्ट करो आपके बहुत सारे क्या सारे आउटफिट्स के साथ आपको चल जाएगा ये वाला हैंडबैग। देखने में बहुत ज्यादा सुंदर लगता है एंड जब भी आप इसे कैरी करोगे हमेशा बहुत अच्छे एंड पॉजिटिव कॉम्प्लीमेंट मिलेंगे, क्योंकि मैंने इसे जब जब लिया है काफी सारे लोगों ने पूछा है कि कहाँ से है, एंड ये ब्राउन कलर का है, यहाँ पे आपको टैग देखने को मिल जाता है, क्वालिटी सुपर्ब है, सिंगल कंपार्टमेंट इसमें आपको देखने को मिलेगा अगेन, और एक छोटी जिप है, इतना अच्छा स्पेस है कि आप कुछ भी कैरी कर सकते हो, मतलब ज्यादा तो नहीं कर सकते हो पर अपना खुद का सामान आप कैरी कर सकते हो इजीली, काफी अच्छा स्पेस है एंड क्वालिटी बहुत अच्छी है, प्योर लेदर में है, थोड़ा शाइनिंग पैटर्न में है, तो इसे भी आप ले सकते हो अफोर्डेबल प्राइस में, काफी अच्छा ऑप्शन है। नेक्स्ट जो मैं आपको रिकमेंड करूंगी वो है एक बैकपैक, अगर आप कोई क्यूट सा एक बैकपैक लेने का सोच रहे हो तो ये वाले बैकपैक को आप ट्राई कर सकते हो। मुझे काफी टाइम से एक बैकपैक चाहिए था जो कि क्यूट हो, थोड़ा अच्छा लगे, तो जब मैंने ये वाला देखा अमेजोन में, पाउडर ब्लू कलर का है, पूरे पे फ्लोरल प्रिंट किया हुआ है, अगर आपको ट्रैवल में कहीं जाना है तो बैकपैक चाहिए ही होता है, लेकिन मुझे ऐसे नहीं चाहिए थे थोड़े बड़े, पर मुझे ऐसा चाहिए था जो क्यूट भी हो, अच्छा भी लगे, थोड़ा अच्छा खासा सामान भी आ जाए इसमें, तो है ना इसमें वो सिंगल कंपार्टमेंट देखने को मिलेगा इस तरीके से, और इसमें ना काफी अच्छा स्पेस है, देखो आप काफी अच्छा है, इसमें आप अपना कुछ भी कैरी कर सकते हो, काफी अच्छा बैकपैक है। सबसे अच्छा है इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है, जिप की हो चाहे इसमें जो फैब्रिक यूज किया है उसकी क्वालिटी हो, प्रिंट वगैरह तो अट्रैक्टिव है ही लेकिन क्वालिटी सुपर्ब है,
तो इस तरीके का ये बैकपैक है। अगर आपको ट्रैवल वगैरह के लिए चाहिए तो आप इस तरीके के बैकपैक ट्राई कर सकते हो। ऐसे कॉलेज वगैरह में भी आप इसे ले सकते हो, जैसे कॉलेज गोइंग गर्ल्स होती है वो उन्हें चाहिए कुछ बैकपैक कुछ अट्रैक्टिव सा लगे थोड़ा, तो आप इसे ट्राई कर सकते हो। काफी अच्छा प्रिंट है और काफी अच्छा स्पेस है इसमें। और नेक्स्ट और लास्ट मैं आपको जो रिकमेंड करूंगी वो है एक लैपटॉप बैग। अगर आपको लैपटॉप है आपके पास और अगर आपको कोई अच्छा लैपटॉप बैग ढूंढ रहे हो तो आप इसे ट्राई कर सकते हो। इसका प्रिंट सीरियसली बहुत अमेजिंग है। इसमें आपको सारे साइज देखने को मिल जाएंगे, जितना आपको लैपटॉप का साइज है उसके अकॉर्डिंग आप इसे बाय कर सकते हो। एंड एक काफी अच्छा है इस तरीके का लैपटॉप बैग है, पूरे इस तरीके का प्रिंटेड देखने को मिलेगा। प्रिंट आप देखो कितना प्यारा एंड अट्रैक्टिव है। इसमें आपको ना प्रिंट भी बहुत सारे अमेजोन पे दिए हुए हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग प्रिंट एंड साइज अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो जो भी आपको लेना हो। पर मुझे ये बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था तो मैंने इसे चूज किया है। एंड इसमें है ना कंपार्टमेंट एक सिंगल है जिसमें आपको लैपटॉप रखना है, यहाँ पे तो आप इजीली अपना लैपटॉप रख सकते हो। और ना इसमें थोड़ी कुशनिंग भी की हुई है, कुशन लगाए हुए हैं जिससे आपका लैपटॉप कहीं आप ट्रैवल में जा रहे हो लैपटॉप रख रहे हो तो बिल्कुल भी ऐसे हार्म नहीं हो उसे और टूटे फूटे नहीं। उसके लिए ना इन्होंने इसमें अच्छा सा कुशन पैड लगाए हुए हैं, तो काफी ज्यादा अच्छा है, सॉफ्ट है एंड सेफ्टी काफी रहेगी इसमें लैपटॉप की। और यहाँ पे अपना एक और कंपार्टमेंट देखने को मिल जाता है इस तरीके से, जिसमें ना आपको अंदर एक जिप देखने को मिलेगी और छोटे छोटे पॉकेट्स देखने को मिलेगी। कुछ भी रखना हो, लैपटॉप का चार्जर रखना हो या फिर कुछ भी रखना हो, उसके अलावा भी आपको अपने ईयरफोन्स रखना है, ईयरपोड्स रखना है, कुछ भी रखना है तो सारा सामान आप इसमें कैरी कर सकते हो। आईडीज वगैरह हो गई, कुछ भी हो गई, बहुत अच्छा स्पेस इसमें दिया हुआ है। तो मुझे ये वाला लैपटॉप बैग भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, तो मैं इसे भी आपको रिकमेंड करूंगी। अगर आप लैपटॉप बैग लेने का सोच रहे हैं तो इस ब्रांड को ट्राई करना और ये वाला ट्राई करना काफी अच्छा है। तो ये है जो नेक्स्ट मैंने पिक किया है। तो गाइस ये था आज का मेरा कंप्लीट अमेजोन हॉल। आई होप आपके लिए ये वाला वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, क्योंकि मैंने वो ही हैंडबैग्स एंड बैग्स आपके साथ शेयर किए हैं जिनके रिव्यू काफी अच्छे हैं, प्लस जो मस्ट हैव है एक बार आप इन्वेस्ट करोगे आपको बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होगा। तो आप इनमें से कोई भी ट्राई करना चाहो विदाउट एनी डाउट, आपको ज्यादा सोचना नहीं है, आप ट्राई कर सकते हो। तो गाइस ये था आज का मेरा कंप्लीट वीडियो। वीडियो पसंद आया तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है विद बेल आइकन, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाएंगे एंड आपसे मेरी वीडियो मिस नहीं होगी। एंड और कुछ देखना चाहते हो अमेजोन से आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हो। एंड आज की कलेक्शन में से आपका फेवरेट बैग कौन सा है वो भी आप मुझे कॉमेंट करके बताना। तो चलिए अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।